हाँ नमस्कार भाइयों, आज हमारा टॉपिक रहेगा मेटल फिनिशिंग में, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में, निकल प्लेटिंग और सिल्वर प्लेटिंग। निकल प्लेटिंग के बाद कुछ लोग जो सिल्वर प्लेटिंग करना चाहते हैं उनके लिए कुछ प्रोसेस और केमिकल्स मैं आपको बताऊंगा। निकल प्लेटिंग के लिए मैंने पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था निकल प्लेटिंग किस तरह की जाती है। और निकल प्लेटिंग का प्रोसीजर मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि निकल प्लेटिंग करने के बाद सिल्वर प्लेटिंग कैसे की जाती है। सिल्वर प्लेटिंग बहुत लोग करते हैं ज्वेलरी आइटम्स पर, फैंसी आइटम्स पर, और सिल्वर के बाद एंटिक भी की जाती है जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में सिल्वर एंटिक होती है। भाइयों, निकल प्लेटिंग करने के बाद सिल्वर प्लेटिंग करने के लिए हमें दो टैंकों की ज़रूरत होती है। पहला प्रोसेस होता है सिल्वर स्ट्राइक का और फाइनल प्रोसेस होता है सिल्वर मेन प्लेटिंग। सिल्वर स्ट्राइक के बारे में बताऊंगा पहले मैं कि सिल्वर प्लेटिंग स्ट्राइक का केमिकल हम किस तरह बनाएंगे। तो आप एक कॉपी पेन ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप एक कॉपी ले लें, एक पेन ले लें और ये पैरामीटर केमिकल्स कितना डालना है, क्या करना है, वो आप लिख सकते हैं। देखिए, सिल्वर प्लेटिंग में, स्ट्राइक सिल्वर में हमें 1 से 2 ग्राम पर लीटर सिल्वर मेटल चाहिए होता है। और बेटर रहेगा कि आप, केमिकल आता है सिल्वर का सिल्वर पोटेशियम साइनाइड, SPC जिसको बोलते हैं, इसमें लगभग 54% सिल्वर मेटल होता है एज पर स्टैंडर्ड। प्रैक्टिकली उसको चेक करें तो हम 53.5 या इस तरह मेटल आता है। तो अगर हमें 1 ग्राम पर लीटर सिल्वर मेटल बाथ में चाहिए तो हमें वो 2 ग्राम पर लीटर डालना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट में बता रहा हूँ। मतलब कि अगर आपका 100 लीटर केमिकल आपको बनाना है तो आपको 200 ग्राम SPC सिल्वर पोटेशियम साइनाइड उसमें डालना पड़ेगा। और दूसरा केमिकल है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड स्ट्राइक में आपको 80 ग्राम पर लीटर डालना पड़ेगा, मतलब कि 100 लीटर पानी अगर आपको बनाना है तो उसमें 8 किलो सिल्वर पोटेशियम साइनाइड डालें। और इसमें एनोड जो लगेगा वो स्टील का लगेगा, स्टील का अच्छा ग्रेड लें, SS316 या SS304, 4x18, 4x12, जिस तरह आपके टैंक की हाइट हो उस तरह आप ले सकते हैं और ये केमिकल आपका बनके तैयार हो जाएगा। बीच में आप कैथोड रॉड या कैथोड जिस पर हमें प्लेटिंग करनी है उसको कैथोड बोला जाता है, कैथोड रॉड रख दें, उस पर आप पीस लटका कर प्लेटिंग कर सकते हैं। अब दूसरा पैरामीटर आता है करंट का, हमें करंट कितना देना है। तो भाई स्ट्राइक में करंट दिया जाता है 5 से 8 वोल्ट तक, डिपेंड करता है आपका आइटम, आपका वर्क पीस कितना बड़ा है, तो ये वेरी करेगा। ये 5 से 8 वोल्ट तक जाएगा, मिनिमम 5 वोल्ट आपको देना ही देना है। और टाइमिंग रहता है 15 से 30 सेकेंड। ये सारी बातें आप नोट कर लें। तो जैसे ही हम निकल प्लेटिंग करने के बाद वाशिंग करेंगे, वाशिंग करने के बाद इस टैंक में हम 15 सेकंड के लिए पीस को लगाएंगे तो पीस के ऊपर पूरी सिल्वर आ जाएगी, पीस वाइट हो जाएगा। इसके बाद में, क्योंकि इसमें एक फ्लैश आता है 0.2 0.3 माइक्रोन का, इसमें बहुत ज़्यादा चांदी नहीं चढ़ती है, तो हमें एक मेन टैंक चाहिए होता है चांदी का। इसके बाद में, स्ट्राइक के बाद में हमें मेन टैंक में जाना है। अब मेन टैंक के पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ।
मेन टैंक में आपको मिनिमम 10 ग्राम पर लीटर चांदी रखनी पड़ेगी। अगर 100 लीटर का पानी आपको बनाना है तो आप लगाइए 10-20 ग्राम पर लीटर हमें SPC इसमें डालनी पड़ेगी। तो 2 किलो सिल्वर पोटेशियम साइनाइड मेन टैंक में हमें डालना है, वो भी मान लिया 100 लीटर पानी है अगर, तब उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको 200 लीटर बनाना है, 400 लीटर बनाना है, 500 लीटर बनाना है। मैं 100 लीटर का आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको 2 किलो सिल्वर पोटेशियम साइनाइड डालना पड़ेगा, इसके अंदर आपको 100 ग्राम पर लीटर पोटेशियम साइनाइड डालना पड़ेगा। 100 ग्राम पर लीटर का मतलब ये हो गया 10 किलो, 10 किलो इसमें ये डालें। और इसके अंदर हमें, अगर हमें ऑर्डिनरी सिल्वर निकालना है मतलब 2 माइक्रोन 1 माइक्रोन, तब तो ये डल सिल्वर जिसको हम बोलते हैं, हमें अगर ब्राइट नहीं चाहिए, निकल की जो ब्राइटनेस होती है वो पीस पर रहेगी, आप स्ट्राइक करें, स्ट्राइक के बाद में आप 2-3 मिनट आप मेन सिल्वर में डालें तो पीस पे ऊपर हल्की सी 1 माइक्रोन 0.5 माइक्रोन 2 माइक्रोन तक की लेयर आ जाती है। तो आपको इतनी माइक्रोन चाहिए तो प्रोसेस इसी से काम चल जाएगा, आप उसको करके आगे बढ़ा सकते हैं। सिल्वर करने के बाद पीस को धो लें। सिल्वर में जो हमें वोल्टेज का पैरामीटर रखना है वह आप नोट कर लें। इसमें वोल्टेज 2-4 वोल्ट डिपेंड ऑन आइटम सरफेस एरिया, मतलब कि आइटम जितना बड़ा है या जितना छोटा है उसके हिसाब से हम रखेंगे। तो इसमें करंट जो है, जो वोल्टेज है वो मेन होता है, वोल्टेज 2-4 वोल्ट। बाकी और भी बहुत पैरामीटर होते हैं, करंट डेंसिटी होती है, एनोड की कितनी रखनी है, कैथोड की कितनी रखनी है, वो सब बहुत डीपली पैरामीटर है। बट आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी से काम स्टार्ट हो सकता है। बाकी जो समस्याएं आती हैं बीच बीच में वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उनके बारे में भी डिटेल में बताता रहूँगा। और कुछ लोग कहते हैं भाई हमें ब्राइट सिल्वर चाहिए। ब्राइट सिल्वर का मतलब ये होता है कि उसमें हम 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन हम सिल्वर की प्लेटिंग करना चाहते हैं। तो वो उसके लिए हमें जो मेन स्ट्राइक सेम रहेगी, जो मेन ब्राइट सिल्वर का टैंक है उसमें चेंजिंग करने होते हैं। हम सिल्वर मेटल मिनिमम तो इतना है ही है 10 ग्राम पर लीटर, लेकिन इसमें हम ज़्यादा रखेंगे तो बेटर रहेगा, माइक्रोन थिकनेस जल्दी आ जाती है। लेकिन मैं 10 ग्राम पर लीटर से ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो सिल्वर है काफ़ी कॉस्टली मेटल होता है। तो 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 2 किलो सिल्वर डालें, साइनाइड भी उतना ही रहेगा, 10 किलो साइनाइड डालें। इसके अंदर 30 ग्राम पर लीटर हमें पोटेशियम कार्बोनेट और डालना है, इसको हार्ड सिल्वर या ब्राइट सिल्वर बोलते हैं। और जो इससे पहले मैंने बताया वो ऑर्डिनरी सिल्वर है, उसमें साइनाइड और केवल SPC से काम चल जाता है। तो हार्ड सिल्वर में आपको पोटेशियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा 30 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, 3 किलो हो गया, वो डाल दें। इसके अलावा इसके ब्राइटनर्स आते हैं, प्रोप्राइटरी केमिकल होते हैं ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए और एडिशन को प्रॉपर करने के लिए, 2 केमिकल आते हैं। तो इसमें जो इसका बेस केमिकल होता है जिसको हम मेकअप बोलते हैं, वो 30-40 ml पर लीटर तक डलता है। मतलब कि अगर 100 लीटर का बात है और 40 ml हमें डालना है तो 4 लीटर हो गया। और इसका एक दूसरा केमिकल होता है जो ब्राइटनर होता है, वो इसमें डलेगा 10 ml पर लीटर स्टार्टिंग में। चमक कम रहती है तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो 10 ml पर लीटर हम डालें इनिशियली, हालांकि 20 ml पर लीटर तक लोग बोलते हैं, बट हम 10 ml से स्टार्ट करेंगे, 20 ml तक धीरे धीरे जाएंगे रिजल्ट को देखते हुए। तो 10 ml के हिसाब से एक जो है 1 लीटर वो हो गया। तो डालने के बाद उसमें पीस रखें और पीस उसमें कोशिश हो पीस हिलाते रहें। हार्ड सिल्वर में, ब्राइट सिल्वर में पीस थोड़ा हिलता रहता है तो चमक अच्छी आती है। या तो रॉड को आगे पीछे सरका के, उसको कैथोड रॉड मूवमेंट बोलते हैं, CRM बोलते हैं, उसमें जो पीस है वो अपने आप ऑटोमेटिक हिलता रहता है, एक गियर लगा देते हैं, वो आगे कभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपको किसी को ट्रायल करना है तो वो पीस को इस तरह इसको हाथ से भी एजिटेट करके वो ट्रायल कर सकता है, पीस को आगे निकाल के देख सकता है। और हार्ड सिल्वर या ऑर्डिनरी सिल्वर करने के बाद
आप जब पीस को वॉशिंग करेंगे तो एक गर्म पानी में वॉशिंग ज़रूर करें, क्योंकि साइनाइड इसके अंदर होता है, वो बाद में स्पॉट या धब्बे कई बार छोड़ जाता है। और इसके बाद पीस को बहुत अच्छी क्वालिटी करने के लिए केमिकल आता है एंटी टार्निश, मतलब कि जो सिल्वर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से टार्निश होगा, जो कलर चेंज करेगा, उस केमिकल को करने के बाद वो पीस कलर चेंज नहीं करेगा। अदरवाइज आप स्प्रे लेकर या कोई भी और लेकर आते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग आती है, वो आप पीस के ऊपर कर सकते हैं, जिससे सिल्वर का कलर चेंज ना हो। तो ये पूरा मैंने आपको बताया, इसको आप करके देखें, आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे। एक बार मैं प्रोसेस दोबारा, इसका जो प्रोसेस सीक्वेंस है वो मैं आपको दोहरा देता हूँ। देखिए, प्रोसेस सीक्वेंस में हम निकल प्लेटिंग करेंगे। निकल प्लेटिंग का प्रोसेस सीक्वेंस में एक बार सिल्वर तक बता देता हूँ आपको। क्लीनिंग करेंगे पीस की, धुलाई करेंगे, धुलाई करने के बाद एसिड डिप करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का 5% का डिप होता है, फिर वॉशिंग करेंगे, उसके बाद निकल प्लेटिंग करेंगे। निकल प्लेटिंग करने के बाद पीस की वॉशिंग करेंगे, सिल्वर स्ट्राइक करेंगे। सिल्वर स्ट्राइक के बाद हम अगर ऑर्डिनरी सिल्वर करनी है जिसमें ब्राइट नहीं होते हैं, उसमें पीस को लगाएंगे, 2-4 मिनट पीस को निकाल लेंगे और एंटी टार्निश कर देंगे, पीस हल्की सी चमक कम रहेगी, वो पीस सिल्वर का ओरिजिनल कलर आपको दिखाई देगा। दूसरा, निकल करेंगे, निकल करने के बाद पीस निकालेंगे और फिर हार्ड सिल्वर, ब्राइट सिल्वर करेंगे, उसमें पीस माइक्रोन के हिसाब से आपको 2 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, जो भी माइक्रोन चाहिए उतनी देर पीस को रखेंगे। कितनी माइक्रोन कितने देर में आती है वो मैं वीडियो बाद में बना के डालूंगा, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। फिलहाल आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर रहे हैं, थिकनेस कितनी देर में कितनी आएगी, वो पीस के सरफेस एरिया, पीस कितना बड़ा है, उसके हिसाब से पूरा प्रोसीजर निकालना होता है। वो आगे वीडियो में आपको मैं कभी भी बता सकता हूँ। फिलहाल मैंने आपको सिल्वर के बाद निकल, मेरे पास कई कमेंट आए थे कि सिल्वर के बाद निकल प्लेटिंग होती है, वो किस तरह की जाती है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसको आप करें, देखें, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आगे कोई भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको वीडियो की सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।